ओके, तो फाइनल ट्रिप शुरू होने का दिन जो है वो बहुत नज़दीक आ गया है, और ट्रिप नज़दीक आ गया मतलब पैकिंग भी अब तक हो जाना चाहिए। जी हाँ, पैकिंग ऐसा देखा जाए तो हो ही गया है, पर वो क्या है ना, मतलब खाली मतलब लास्ट मोमेंट का इंतज़ार है बस, खाली सब चेक कर लेंगे और खाली बैग में घुसाएंगे। तो ऐसा कुछ हालत है अभी मेरे सामान का, मैं पूरा सामान एक्सप्लेन करता हूँ। तो उससे पहले एक छोटा सा अनबॉक्सिंग भी करेंगे। आज क्या है ना, मतलब जाने से पहले एक बहुत ज़्यादा मतलब एक टेंशन वाला माहौल रहता है, तो वो टेंशन वाले माहौल में मैंने एक अपना एक और स्लीपिंग बैग ऑर्डर किया। तो स्लीपिंग बैग मैंने दो इसलिए लिया क्योंकि इस ट्रिप में मेरे साथ मनीषा भी जाने वाली है। तो आप अगर मेरा सिक्किम का ब्लॉग देखे होंगे तो आप मनीषा को पहचानते होंगे। मनीषा मेरी वाइफ है, और ये जांस्कर का ट्रिप जो है मैं उसके साथ करने वाला हूँ। दोनों शायद हिचहाइक करूँ या फिर क्या करूँ कुछ पता नहीं है, कुछ भी प्लान नहीं है, बस खाली निकलेंगे, ट्रेन का टिकट कंफर्म है, और फिर चंडीगढ़ से हम डिसाइड करेंगे कि हिचहाइक करेंगे कि क्या क्या करेंगे, मतलब देखा जाएगा। तो होपफुली अभी वहाँ का टेम्परेचर थोड़ा ठीक ठाक रहेगा, तो हिचहाइकिंग भी अगर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि बहुत कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन भी करना है, अनबॉक्सिंग भी करना है। मैंने सोचा कि एक पैकिंग वाला वीडियो डाल दूँ, क्योंकि परंपरा है हमारी चैनल का, जो कहीं पर अगर हम जाते हैं तो उससे पहले हम एक पैकिंग का वीडियो बनाते हैं। तो इस परंपरा को बरकरार रखते हुए स्वागत है आप सभी का एक और बार मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है देवराज, आप देख रहे हैं देसी ट्रैवलर। तो चलिए स्लीपिंग बैग का अनबॉक्सिंग करते हैं, और होपफुली मज़ा आएगा। बताते हैं स्लीपिंग बैग के बारे में अनबॉक्सिंग करते हुए। ये मैंने अमेजोन से मंगाया है, जो स्लीपिंग बैग मैं यूज़ कर रहा था ये उससे थोड़ा अच्छा है, क्योंकि इस बार जैसे कि आपको पता ही है मैं जांसकर जा रहा हूँ, तो जांसकर के लिए थोड़ा अच्छा क्वालिटी होना बहुत ज़रूरी था, और साथ में मनीषा जा रही है तो उसके लिए भी एक अच्छा सा स्लीपिंग बैग लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वहाँ पे कुछ दिक्कत हो जाता फिर कुछ करने का नहीं रहता ना। तो जल्दी से इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर इसके बारे में बात करते हैं। तो ये है कुछ बिल वगैरह, तो साइड में रखते हैं। ओके, तो ये मैंने लिया है थोड़ा आर्मी कलर में, और पहले वाला जो था मेरा ब्लू कलर में। दोनों को मैं लाता हूँ, थोड़ा साइड बाई साइड इसको कंपेयर करते हैं। क्वालिटी वाइज तो अभी मैं नहीं बता पाऊंगा जब तक मैं यूज़ नहीं करूँगा। बाकी ये है मेरा पहले वाला, जो कि इससे थोड़ा छोटा है, आप देख रहे होंगे। ये देखिए दोनों में ये फ़र्क है, ये मेरा पहले वाला है, ये ट्रैजेक्टरी का है, ये कैफी का है। इसको थोड़ा खोलते हैं और खोल के देखते हैं कि इसको क्या है, कैसा है क्वालिटी, जैसे मैंने ऑनलाइन देखा हूँ वैसा ही होता है कि नहीं। तो देखता हूँ, पहले खोलता हूँ फिर आपको बताता हूँ। ये कुछ ऐसा दिखता है, इसका क्वालिटी जो है ना थोड़ा मतलब वो आपका कंबल टाइप का है अंदर से। और इसका प्राइस में ज़्यादा कुछ फ़र्क तो नहीं है। इसका आपका पड़ा था 1200 के करीब, और ये शायद 1500 के करीब, 1500-1600 के बीच में ऐसे ही आया। तो थोड़ा मैंने अलग लिया है, तो एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और क्वालिटी का डिफरेंस भी पता चल जाएगा, तो होपफुली ये अच्छा होगा। ओके, तो गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है अभी ये सबको देख के, और जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ ये कितना काम आएगा वो हम वहाँ जाके ही बता पाएंगे। अंदर एक पॉकेट होना तो चाहिए पर वो दिख नहीं रहा है, मैं वो पॉकेट ही ढूंढ रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये स्ट्रैप है, इसको आप टाइट कर सकते पिछला हैं। ट्रिप का जो टेम्परेचर था उस हिसाब से मेरा वो ट्रैजेक्टरी वाला जो स्लीपिंग बैग था वो ठीक ठाक सा काम कर गया, पर इस बार जो है टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा लो होने वाला है, तो उसके लिए थोड़ा अलग सी तैयारी ज़रूरी है। गर्म कपड़े हमको ज़्यादा लेने पड़ेंगे, और थोड़ा स्पेशल केयर भी रखना पड़ेगा अपना और अपने बॉडी का या फिर अपने पार्टनर का। तो इन सब चीज़ों के साथ सब कुछ प्लानिंग वगैरह तो हो चुका है, और देखते हैं ऊपर वाले का नाम लेके निकलेंगे, होपफुली सब कुछ सही रहेगा। तो चलिए जल्दी से मैं दिखा देता हूँ कि मेरे क्या क्या सामान मैं लेके जा रहा हूँ, एक छोटा सा एक ग्लिम्स दे देता हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, हालांकि ये आइडिया देने वाली चीज़ है नहीं कुछ ज़्यादातर। तो ये है कुछ सामान हमारा, ये बैग जो है ये ऑरेंज कलर का बैग तो आपको पता ही है, ये मेरा, और ये आर्मी कलर का जो बैग है ये मनीषा लेने वाली है। ये हमारा कैंपिंग टेंट, टू मैन टेंट है, इसी में हम एडजस्ट करने वाले हैं इस ट्रिप में। और ये मैट, एक और मैट मेरा कहाँ गया पता नहीं है, मैं उसको ढूंढ रहा हूँ। ये छोटा सा बैग जो है हम कैरी करने वाले हैं, और यहाँ पे स्लीपिंग बैग था इसलिए गैप दिख रहा है आपको। और ये है कुछ गर्म कपड़े हमारे, जो जैसे कि आप देख के समझ ही सकते हैं, जैसे मनीषा का कपड़ा वपड़ा भी है तो मैं उतना डिटेलिंग में कुछ दिखा नहीं रहा हूँ, आप लोग आप समझ जाइए। ये ज़्यादा से ज़्यादा अंडर गारमेंट्स ले लीजिए, सॉक्स वगैरह ले लीजिएगा, ये आप मतलब टोपी वगैरह ले लीजिएगा, जैकेट्स वगैरह ले लीजिएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपको पावर बैंक लेनी पड़ेगी। पावर बैंक आप अगर दो हो सके तो दो, मैंने तो दो दो पावर बैंक ले लिए हैं, एक एक मतलब 10-10 हज़ार के, तो क्योंकि जांचकर में आपको मतलब पावर कट की प्रॉब्लम जो है ये सामने आ सकता है। बाकी ये सब थोड़ा चश्मा उश्मा, एक्स्ट्रा कैमरा, मैगी, इसमें मेरा वो आपका कैंपिंग स्टोव 1 कप मैं इसी को कैरी करता हूँ, इसमें थोड़ा सामान वान है, ये मैंने थोड़ा तेल वेल ले लिया है,
और चीनी चाय वगैरह कुछ ले लिया है, मैं मसाला वसाला भी ले लिया हूँ। इस बार जो है मैं सॉलिड फूड कैरी कर रहा हूँ, इसमें चावल, सोयाबीन और दाल है आपका, और ये है टॉर्च, गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर एक जो है थोड़ा ज़्यादा ख़त्म हो गया है, मैं इस बार थोड़ा घर में ट्राई कर रहा था, प्रेशर कुकर वाला है। आप अगर मुझे इंस्टा में फॉलो करते हो तो आप स्टोरी देखे होंगे, और इसमें थोड़ा बहुत है तो मैं सोच रहा हूँ कि ये छोटा वाला लूँ कि एक नया वाला ले लूँ, तो इस पर अभी भी काम चल रहा है। और बाकी अगर सच बोलूँ तो ये सब मैं ना इस बैग में घुसा लिया था, तो फिर सोचा कि एक बार वीडियो बना लेता हूँ तो फिर से आराम से घुसा लूँगा, कोई दिक्कत है नहीं, अभी टाइम है मेरे पास। और ये है कुछ मेरा शावर बैग, इसमें शावर का कुछ सामान तो मैं लेता हूँ नहीं, टिश्यू पेपर्स लेता हूँ मैं, इसमें मूव वगैरह है, सैनिटाइजर वगैरह है, ट्रैवल अडेप्टर वगैरह कैरी करता हूँ, एक ताला है छोटा सा, तो ये छोटा मोटा चीज़ है। और ये है नेक पिलो, इसको मैं कैरी करूँगा कि नहीं अभी तक ये श्योर नहीं है, इसलिए मैं बाहर रखा हूँ। और ये है जो स्लीपिंग बैग मैंने आज ऑर्डर किया, इसका रिव्यू मैं बहुत जल्दी देने वाला हूँ। और ये जो है ये मेरा पुराना वाला स्लीपिंग बैग, और ये है हमारा कुतवा जो हर समय सोते रहता है। ओके, तो स्लीपिंग बैग जो है जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था वैसा ही एकदम मिला है, मतलब देख के तो वैसा ही पता चल रहा है, और लग तो रहा है कि ये गर्मी को ठीक ठाक से बरकरार रखेगा। स्लीपिंग बैग जो होता है ना, स्लीपिंग बैग आपका मतलब गर्मी को प्रोड्यूस नहीं करता है, वो आपके बॉडी का जो हीट रहता है उसको अंदर रखने में मदद करता है, बस यही है। क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि स्लीपिंग बैग में गर्मी होगा कि नहीं, मतलब ये गर्म कर पाएगा कि नहीं, स्लीपिंग बैग गर्म नहीं करता आपको, आपका बॉडी का जो टेम्परेचर रहता है, आपको बॉडी का जो हीट रहता है उसको वो बाहर निकलने से रोकता है, ताकि मतलब एक उतने से एरिया में आपका बॉडी का हीट जो है वो बना रहे और पूरी रात जो है वो गर्माहट बना रहे, इससे आप अगले दिन ठीक ठाक से उठेंगे। तो ये तो थी स्लीपिंग बैग की बात, स्लीपिंग बैग होपफुली ठीक रहेगा, और अभी इस ट्रिप में मैं स्लीपिंग बैग का रिव्यू भी दे दूंगा। ओके, तो यही था बस आपको बताना कि पैकिंग वगैरह सब कुछ लगभग हो गया है, बाकी सब तो रेडी है, और बस छोटे मोटे कुछ काम बाकी है उसको निपटाना है और बस निकलना है। तो होपफुली ये ट्रिप भी उतना ही सक्सेसफुल होने वाला जितना कि लास्ट ट्रिप आप लोगों के प्यार से हुआ था। तो विश मी लक, ये वीडियो शायद जब तक आए तब तक मेरा निकलने का वक्त हो जाएगा। अगला वीडियो कब तक आएगा दोस्तों मेरे को पता नहीं है, जैसे ही मौका मिलेगा, जैसा ही कुछ मिलेगा मैं एडिट करके वीडियो डालता रहूँगा। और आप मुझे इंस्टा में फॉलो कर सकते हो और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा और फेसबुक का आईडी जो है आपको नीचे आ रहा होगा, आप उसमें मेरे को फॉलो कर सकते हैं, उसमें आपको क्या है मतलब शॉर्ट अपडेट्स जो है वो आपको मिलता रहेगा, और व्लॉग की इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलते रहेंगे। और इस बार का सीरीज़ में जो है आपका पूरा इन्फॉर्मेशन रहेगा, आप अगर एज अ कपल कहीं पे ट्रैवल कर रहे हो ऐसे रूरल जगह पे या फिर ऐसे रिमोट प्लेसेस में, तो आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या चैलेंजेस आपको आ सकते हैं, इन सब चीज़ों पर मैं गौर करूंगा इस बार। और ये मेरे लिए भी एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है, क्योंकि मैं मनीषा को लेकर ऐसा कभी ट्रैवल नहीं किया हूँ। तो ठीक है, ऐसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो मतलब ऐसे अनकॉमन सा ट्रैवल करना चाहता है ऐसे करके, तो उनके लिए भी ये एक बहुत अच्छा कंटेंट होने वाला है। बाकी पूरी तैयारी के साथ मैं जा रहा हूँ इस बार, ट्रिप भी आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छा होने वाला है, जांस्कर का वेदर भी बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे। बस इसी सब आशा और कामना के साथ, आप लोगों के प्यार के साथ ये वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। मैं बहुत जल्द मिलूंगा दोस्तों ऐसे किसी वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।